सो हेलो गाइस, कैसे आई होप लोग क्या आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, अब इंस्टाग्राम रील पर कुछ इस टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा इस वायरल हो रही है डांस वाली। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ किस तरह का ऐसा वीडियो बना लेंगे। तो उसके लिए गाइस, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आज का वीडियो को लाइक में रखते हैं 3000 लाइक, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर देंगे। साथ ही मैं आपको बताऊँ कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे एडिट करना है। सो गाइस, लेट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख लेंगे यहाँ से अपना मोबाइल कैमरा ओपन कर लीजिएगा, और आपको कुछ अच्छे से इस तरह का से एक्टिंग आपको कर लेना होगा। साथ में आपको लास्ट में आपको हल्का डांस आपको कर लेना होगा। करने बाद गाइस, चलिए यहाँ से आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देख लेंगे यहाँ से मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया। तो आपको ऐसी वीडियो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कैप कार्ट। और साथ ही में आपको पता है कैप कार्ट एप्लीकेशन की यूज करने के लिए आपको वीपीएन एप्लीकेशन से यूज करेंगे, क्योंकि अभी ये इंडिया में बैन है। तो आपको पता है इसको कैसे डाउनलोड करना है, तो आप कैप कार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ, और ओपन करने बाद गाइज आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर ऐसे आपको क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आपको एक वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी, ये वाली वीडियो। तो गाइस, इस वाली वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली तरीका से इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। अभी देख लें कुछ इस तरह का ऐसा है हम लोग का वीडियो है, यहाँ पे देख लें कुछ इस तरह का ये वाली वीडियो है। तो इसमें अपनी वीडियो ऐड करके कुछ इस तरह का ऐसे वीडियो डांस वाली वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नीचे देख रहे होंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओवरले का, आपको ओवरले वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। और यहाँ से ऐड ओवरले का जो ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पैसे प्लस वाले पैसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अपनी जो वीडियो शूट की अपनी वीडियो ले लीजिएगा यहाँ से। तो मैं आपको बताया कैसे वीडियो शूट करना है। इसके बाद यहाँ पर ऐड वाले पैसे क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो आपकी टाइमलाइन में यहाँ पर ऐड हो जाएगी, जैसे देख लेंगे। तो अभी हम लोग की जो है इसको हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए आप कुछ इस साइड आएंगे, तो यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसे इस पैसे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने बाद कुछ इस तरह से हम लोग का बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और होने के बाद गाइस देख लेंगे आपको क्या करना होगा, इसको आपको दोनों हाथों से कुछ इस तरह करके अपने डिस्प्ले के साइज इसको कर लेंगे अपनी वीडियो को। देख लेंगे कुछ ये वाली वीडियो है, थोड़ा इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना ऐसे कर देता हूँ। तो अब देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हम लोग की वीडियो हो गई, यहाँ पर ऐसे अच्छे से नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से इस मेरी वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट उसको मैं यहाँ से इसको ऐसे कर देता हूँ अच्छे से। यहाँ से करने बाद गाइस हमें क्या करना होगा, इस वाले पार्ट को यहाँ पर आगे लेके आएंगे। तो अब हम लोग की जो वीडियो हम लोग की फाइनली बन के तैयार हो गई है, तो एक बार आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊँ। तो अब देख लेंगे कुछ इस तरह कैसे हम लोग की वीडियो बन गई है। तो गाइस, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो थोड़ा आप में टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले से उसको मैं रिमूव कर लिया था। तो आप कुछ इस तरह कैसे बैकग्राउंड रिमूव कर लेना होगा। तो गाइस, लास्ट में इस एप्लीकेशन को वाटरमार्क आपको दिखेगा, तो इस पर ऐसे क्लिक करने बाद इसका वाटरमार्क यहाँ से आप डिलीट कर लेंगे। और डिलीट करने बाद गाइस आपकी जो ये वाली वीडियो है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे। और करने बाद इस वाले पार्ट को आपको इस पर ऐसे क्लिक कर देना होगा, और क्लिक करने बाद यहाँ से इसको डिलीट कर लेंगे। सो गाइस, इस तरह करने के बाद आपकी वीडियो फाइनली बन के तैयार हो जाती है। इसमें ऑलरेडी इस वीडियो में म्यूजिक ऐड है, तो आपको म्यूजिक लगाना नहीं है। इसके बाद आपको वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर आपको तीर वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको तीर वाले ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देना होगा। इसके बाद अपना यहाँ से रेस्यूम मिलाने के बाद एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर ऐसे क्लिक कर देते हैं, तो ये वीडियो आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर दें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।